बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वीडियो को लाइक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे शहद पर जी शहद की मक्खियों ने जी शहद बनाया हुआ था, तो शहद जी काफी ज्यादा था। तो आज से दो दिन पहले छोटे भाई ने जी वो शहद सारा निकाला तो खुद पी गया, तो वो जी उल्टा पड़ गया। मतलब कि शहद बहुत गर्म होता, सर्दियों में लोग जी आधे से कम चमचा पीते हैं ताकि सर्दी वगैरह ना लगे। तो वो तकरीबन जी काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 150-200 ग्राम था। तो छोटा भाई जी केला पी गया और वो उल्टा हो गया, मतलब के बीमार वगैरह काफ़ी जी छोटा भाई हो गया, उल्टियाँ वगैरह भी रात को करा था। तो अभी मैं अम्मी जान जा रहे जी छोटे भाई को लेके टाउन, उधर से जी दवाई लेकर आते हैं डॉक्टर से। उसकी हालत जी थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, तो अभी लेके चलते हैं जी टाउन और उसको दवाई लेके देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर से मैंने बाइक ले लिया, तो अभी सबसे पहले चलते हैं जी पेट्रोल पम्प पर, तेल डलवाते हैं और फिर निकलेगा जी टाउन की तरफ। ये रहा जी सामने पेट्रोल पंप। अस्सलाम वालेकुम जी, पूरे 100 रुपये का पाना, ठीक है पहला भी आया। शिकारी भी रखे दे हैं, सिक्योरिटी गार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह जी गार्ड से हम लोग भी टाउन की तरफ ही निकल पड़े हैं। उसे भाई आप आते डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह जी डॉक्टर साहब से हम लोग दवाई लेके तो अभी घर पहुंच चुके हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके छोटे भाई को जी गर्मी वगैरह हो गया और ऐसी चीज़ों से परहेज करे और उसको जी ठंडी चीज़ें दी जाए ताकि ये ठीक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपने छोटे भाई को लेके गया आ रहा जी सिटी दवाई लेने के लिए। तो छोटे भाई शराफत ने जी बाहर बकरियां छोड़ी हुई थी आज पहले दिन, तो मैं जी अभी उसकी तरफ जा रहा हूँ, उसको जी भेजते हैं घर। उसको जी भूख वगैरह लगी होगी तो मैं बकरियों के पास बैठता हूँ और शराफत को जी घर भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये रहा जी मुंजी वाला खेत, इधर जी पुंगर वगैरह है आप लोग देख सकते हैं। तो वो उधर भाई ने बकरी छोड़ी हुई है, उसके पास चलते हैं और उसको जी घर भेजते हैं। हाँ पिछड़ा था कहते नहीं, हाँ भूख नहीं लगी जुती किसी कार, चल जा मैं ले आना बकरिया, जा चल दौड़ जा, चल चल ना 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 शेर चल जा करनू। ये देखो जी आई अभी इसने जाके जी खेलना बच्चों के साथ, तो कैसे भाग के घर की तरफ जा रहा। तो अभी बकरियों के पास जी मुझे रहना पड़ेगा। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पीछे जो सुपर फसल देख रहे हैं इसको पकने में अभी 15 से 20 दिन लग जाएंगे। उसकी वजह यह है जी पहले बहुत ज़्यादा धूप आया करती थी, लेकिन पहले की नस्बत जी अब कम धूप आती है क्योंकि अब सर्दी आ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आधी फसल जी पक चुकी है और आधी हरी है, मतलब कि अभी पकने में फसल को तकरीबन 10-12 दिन जी लग सकते हैं। यह चेक करो इधर सारी फसल हरी नजर आ रही है, शेडों से जी पक गई है, किनारों से इसलिए पकी है क्योंकि जी किनारों पर जी हवा वगैरह लग जाती है पौधों को। तो अंदर से ये देखो जी अभी हरी फसल आप लोग देख सकते हैं। तो तकरीबन 10-12-15 दिन तक जी ये फसल भी तैयार हो जाएगी सुपर की, अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं। चलो उधर मुंजी नहीं खानी बचिया, बकरी अभी हमारी जी इधर चारा खा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हवेली में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कमरा, मतलब के सबसे पिछला कमरा जिसमें हमने जी तूड़ी वगैरह और जी भूसा वगैरह रखा हुआ, तो उस कमरे की जी छत रात की गिर गई है, मतलब के किनारे से जी बाले वगैरह गिर गए हैं। मैं अभी आप लोगों को जी दिखाता हूँ। ये देखो जी सबसे पीछे वाला कमरा, तो इस कमरे में हम लोगों ने ये देखो जी पराली पराली रखी हुई है जी रोटियाँ पकाने के लिए, और इधर जी गाँव के लिए भूसा तूड़ी वगैरह ये आप लोग देख सकते हैं। तो ऊपर भी भूसा वगैरह बांध के गट्ठे के सूरत में रखा हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं कि उधर से जी वो चेक करो जी
बाले वगैरह गिर गया छत वगैरह। मैं अभी आप लोगों को जी छत पे जाकर दिखाता हूँ, हमारा नुकसान हो गया अगर बारिश आई तो ये सारा जी गीला हो जाना ऊपर से। तो अब्बू जान ने सुबह का जी उधर छापर वगैरह डाला हो छत के ऊपर, अभी आप लोगों को जी दिखाते हैं। ये देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर से जी छत वगैरह हमारी गिर गया, तो ऊपर हम लोगों ने छापर वगैरह लगा दिया ताकि बारिश आए और नीचे हमारा नुकसान ना हो जी। ये देखो जी कितना बड़ा होल हो गया और इधर जी सारी मिट्टी गिर गई, आप लोग देख सकते हैं, ये चेक करो जी। तो हम लोगों ने ये सपोर्ट किया, बाद में जी इसका भी हल करेंगे तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर जी, ये चेक करो जी। और बाकी इधर हम लोगों ने जो छापर वगैरह लगाया इसने भी हमें जी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिया, ये चेक करो जी, नीचे धूप वगैरह भी नहीं जाती और बारिश वगैरह भी, तो ये चेक करो जी छापर ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। बाकी जी अलहमदिल्ला अभी दोपहर का वक्त है, छोटा भाई जी गांव को भी पिलाने लगा जी पानी, बाकी चारा वगैरह हम लोगों ने जी सुबह का गांव को जी दिया हुआ, ये आप लोग देख सकते हैं जब दिल करे ये चारा खाए, बाकी बकरियों को चारा वगैरह डाल दिया। तो ये हमारी बकरी बहुत ही कमज़ोर आती है, मतलब कि हर टाइम गर्मी भी इसको जी चारा डालते हैं, बाहर भी चराने के लिए ले जाते हैं हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ये कमज़ोर है। ये चेक करो ये दूसरी बकरी ठीक है, इसको चारा वगैरह डालते रहते हैं, इसको भी डालते हैं, इसको ज़्यादा डालते हैं। ये देखो जी अभी हरा चारा डाला हुआ जी जवार, तो ये देखो जी कमज़ोर भैड आती है जी ज़्यादातर, शहोश पीना। बाकी जी अलहमदुल्ला धूप वगैरह आज काफ़ी अच्छी खासी निकली है, बहुत ही जी मज़ेदार धूप है, क्योंकि जी सर्दी की धूप बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी जी अलहमदुल्ला आप लोग पास वाली हवेली की सूरत देख सकते हैं, इधर ईंटे वगैरह बजरी वगैरह पड़ी हुई है, क्योंकि जी सामने भाई ने जी अपने घर का काम शुरू कराया तो ईंटे वगैरह बजरी वगैरह इसने रखी हुई है, इसका भी हम लोगों ने काम शुरू करना, मतलब कि दीवार वगैरह थोड़ी सी निकालनी है। बाकी ये चेक करो जी कितना वगैरह गंद है, कोई सूरत हाल नहीं है अभी हवेली की। इधर जी लोग जानवर वगैरह बांधते हैं, ये आप लोग जी देख सकते हैं, ये चेक करो जी कोई सूरत हाल नहीं अभी इस हवेली की। बाकी जी घर में जो हमारा लपाई वगैरह का काम है वो अभी तक जारी है, ऊपर वाली छत की हो गई है, अभी नीचे जी दीवारों की जी लपाई वगैरह हो रही है। ये देखो जी माशाल्लाह छत की हो गई है, इधर लोह वगैरह की हो गई रोटियां पकाते हैं जिसमें, ये देखो जी छत वगैरह की लपाई हो गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। और अभी अलहमदुल्ला इन दीवारों की हो रही है, ये चेक करो जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगती है जब जी लपाई वगैरह की जाए, तो अभी जी इसका काम शुरू है, ये देखो जी। बाकी जी अलहमदुल्ला जो पुरानी मिट्टी की थी दीवारों के ऊपर वो हम लोगों ने उतार दी, ये चेक करो जी पुरानी मिट्टी इधर लगा दी लेप वगैरह उतार के, ये चेक करो तो अभी जी न्यू मिट्टी ये लगाई जा रही है जी नरम करके, ये आप लोग जी देख सकते हैं। पानी ला, ये देखो जी तमीर अभी तक जारी है। माशाल्लाह जी बहुत ही कच्चे मकान जी खूबसूरत लग रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का व्लॉग इधर ही करता है खत्म, और मुझे कमेंट में बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल के बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया।